से डर गया और हमने जानना क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जानेंगे। अब हम इसके टुकड़े करते हैं, तो रमेश के हमने कर दिए रे, मे और से, फिर है और रे, आगे हो गया गे और या, हो गया ना से। अब हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, करेंगे, करो इसके इस रे के टुकड़े क्या हो गए, रे, रे में अलंत लगा और धने है, यहाँ पर है मैं में अलंत लगा और एक ए, आगे क्या हो गया सह में अलंत लगा और ए, आगे वाले शब्दों को एक बार के लिए छोड़ दो। क्या इस रह के और टुकड़े कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते, पक्का? इसका मतलब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों का जब दो वर्णों का आपस में मिलन हो गया तब ये क्या बन गया, ये अक्षर बन गया, और इन अक्षरों से मिलकर ये क्या बन गया, ये शब्द बन गया। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है, वर्ण होती है, और सबसे बड़ी इकाई और शब्दों के मेल से फिर क्या बना दिया हमने, ये वाक्य बना दिया। शब्दों के मेल से क्या बना, वाक्य बना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, वर्ण, और सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है, वाक्य। कितनी भी बड़ी कोई पुस्तक हो, कितना भी बड़ा कोई शास्त्र हो, उसमें वाक्य से बड़ी कोई इकाई नहीं हो सकती और वर्ण से छोटी कोई इकाई नहीं होगी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है, वाक्य। ये इनका जो सिलसिला वाक्य चलेगा, सबसे छोटी इकाई है वर्ण, उससे बड़ी है अक्षर, अक्षरों से मिलकर बना शब्द और शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। ठीक है, तो ये बात कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आप किसे बताओगे, वर्ण को। सबसे बड़ी इकाई किसे कहते हैं, आप बताओगे वाक्य को, है ना? ठीक है, चलिए।